Look out, here she comes, the woman that I love. Good morning everyone, क्या हाल चाल है सबके। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और बस मैं उठ गया हूँ यार। और इनके रूम से तो आवाज़ आ रही है। मैं आजकल दूसरे रूम में सो रहा हूँ क्योंकि वो बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे लेग्स रेस करके सोनी पड़ती हैं। सो दैट्स वाई। अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लव यू मिसेस एलिजा। हमारा अभी घर आना हमारे वो क्या था कलर ने पेंटिंग पूरी नहीं कर पाए थे इसलिए परसों बेटा परसों पूरी नहीं कर पाए थे पेंटिंग इसलिए। वेरी गुड, आप छूटा हुआ काम पूरा कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। और चश्मा लगा के बेटा पेंटिंग कर रहे थे क्या आप? चश्मा लगा के आप कहाँ होके आए हो सुबह सुबह? तो गाइस ये पेंटिंग शुरू हो चुकी है, देखो अभी आपको फुल जब बन जाती है तो दिखाते हैं। थर्ड डे इन अ रो नो सूरज टू बी सीन। सो गाइस हृदा द पेंटर हैज कंप्लीटेड हर पेंटिंग। ये देखो गाइस, इसने इसमें थम्स यूज करे हैं, दिस इज थम पेंटिंग। इसने स्टेंसिल यूज़ करके ये और ये बनाया है और ये बनाया है। फिर ये सारी फिशेस भी थंब से हैं और ये भी स्टेंसिल से है। सो दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर हृदा। हृदा यू लव्ड इट? हाँ ये भी थंब से बनाया है। यू लाइक्ड इट हृदा? सो गाइस ये इनको दिखाते हैं पहले। देखो ऊपर ये पेंटिंग है और जो बननी थी वो ये है। दिस इज हाउ इट हैड टू बी। अब्बास यार ले रही है, सॉरी एक्सक्यूज मी। सिमर ने भैया आज बहुत बड़ा पंगा लिया है। तो बहुत बड़ा पंगा लिया। हाँ इसने सब यार इधर से उधर करके ना सब वो कर दिया। तो यार ये वाले ड्रॉअर ना बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा खराब थे। तो अभी शी इज टेकन इट। यू डोंट हैव टू हेल्प मी दैट, आई एम डूइंग इट वन बाय वन। ओके यू गो एंड कीप योर पेंटिंग एंड डिसाइड व्हिच पेंटिंग यू वांट टू मेक नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपके? हाँ यार सुबह लेट हो रहा है आजकल। हाँ कमाई कुछ नहीं, वो व्लॉग व्लॉग निकालो बस इधर उधर। ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि सोना स्टार्ट करना पड़ेगा टाइम पे। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास जी। ठीक हो? ठीक है जी, हमारे तो गुड आफ्टरनून है जी। बस जी बस बढ़िया, आप बताओ खाना पीना हो गया? खाना पीना हो गया, दोपहर का भी। और सर्दी मना रहे हो? सर्दी में रजाई में बैठ के टीवी देखते हैं। अच्छा, पापा को नेशनल ज्योग्राफिक बहुत अच्छा लगता है यार तो देखते रहते हैं। सो आज बना है मटर पनीर और रोटियां। प्याज काट लिए हैं और ये अचार जो मम्मी बनाती है ना भाई मिर्ची का, गजर भी बनाती हैं। सो लेबर का लंच टाइम हो गया, दिहाड़ी की लेबर कर रही है काम और लंच पे बैठ चुकी हैं। मटर पनीर और रोटी खा रही हैं। अच्छा जी ये देखो गाइस, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देख रहे हो कैसे 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 कितना साफ़ सुथरा कर दिया। तभी मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, पता है इसने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया ना मुझे इतना पसंद आ रहा है ना। वो मतलब कोई राहुल ये कर दो राहुल वो कर दो, ख़त्म हो गया। अब सिर्फ सिमर ही सिमर है। अच्छा। सिमर ही सिमर कर रही है काम एंड आई एम जस्ट लविंग इट। लाइफ इज सो मच बेटर है ना आफ्टर द रेजोल्यूशन। ये तो मुझे देख कितने साल पहले समझ में आ गया था ये। मतलब 9 साल पहले जब शादी हुई हमारी मुझे ये समझ में आ गया था कि नो मोर एक्सपेक्टेशंस। बस मतलब कि अपना काम करो खुद। तुम्हारा कोर्स कितने स्टार्ट हो रहा है? सेमिनार। हाँ सेमिनार। मैं इतना सीरियस हो गया व्लॉगिंग को लेके। मुझे लग रहा था कि अभी अप्रैल तक है जो भी है जैसा भी है। तो सर ने कोई वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स कर रहे हैं सर एंड आई थिंक वी बोथ विल अटेंड। क्या हो रहा है भाई? मम्मा हां आज का दिन हम पे ही भारी पड़ेगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये है लड़के वाले। यस ये मैंने वो शादी में पहना था ब्रोश। हाँ जी ओए होए जो लोग पूछते रहते हैं इयरिंग हॉल तैयारी शुरू कर रही हो क्या? नहीं। हाँ ये देखो गाइस साफ सफाई करी ना। ये रिंग्स देखो सरोजनी नगर मार्केट में लगे हुए देखो। हेलो ये सरोजनी नगर मार्केट है। सरोजनी मार्केट के नहीं बोला मैंने, सरोजनी मार्केट जैसे लगते हैं जैसे में लगे होते हैं वैसा बोला। हाँ। तो तुम क्या कर रही हो इसको सॉर्ट आउट कर रही हो? हाँ ये पूरा ना बहुत सारा क्लस्टर हो गया पूरा। चलो अच्छा यार वेरी नाइस। मैं झाड़ू मार लेता हूँ, सुमन दीदी तो आई नहीं है, है ना? जरूरत नहीं है अभी, जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ मिल ही जाएंगे। अरे यार सब ना इधर उधर हो गया पता है। ये छोटी बैठी है ना, उसी के काम ही। अरे ज्वेलरी इतनी सारी हो गई है, आप लोगों के पास भी ज्वेलरी होगी तो आप कैसे रखते हो? मुझे बस अब थोड़ा वही हो रहा है, इसको मेरे को रखना है थोड़ा तरीके से, तो उसी का सोच रही हूँ किस तरीके से रखूँ। ये सारी लगी हुई है, आधी अभी अंदर पड़ी है। और हृदा को देख लो, मेरी हेल्प कर रही है मुझे। ये जोड़ूंगी हृदा, इसको रख दो रख दो भाई। मैं देखो अपना सामान कर रही हूँ और ये लड़की अपना पता नहीं अब मेरे पास नहीं है ज्वेलरी, ऐसे ऐसे कर रही है मुझे। शी सेइंग आई डोंट हैव ज्वेलरी। सेठी साहब, सेठी साहब आ गए, ठीक है लेके आयो। आज दूध देंगे सारे, दूध लेट्स चीयर्स। नहीं नहीं नहीं, अरे दा दूध तो पीने से अच्छा होता है बेटा, हेल्दी होते हैं। आप पूछ रहे थे ना मुझसे मोटू को, मोटू इतना बहादुर कैसे है? बिकॉज मोटू गरम गरम दूध पीता है, देख रहे हो जी। समोसे खाता है। हाँ? समोसे खाता है, समोसे जंक फूड होता है। तो जंक फूड हम तो खाते ही नहीं है। हम नहीं खाते, तुम खाते हो, मैं तो नहीं खाती। सो मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ थोड़ा बहुत काम करना था यार, तो अभी काम करके आते हैं वापस। और ये दोनों बैठी हैं यहाँ पे, ज्वेलरी का भी चल रहा है। और इधर गुस्सा है क्योंकि उसकी मम्मी ने उससे ज्वेलरी ले ली है, जो उसको लग रहा था उसको मिलेगी, वो उसको नहीं मिल रही है। ये तो मेरा फेवरेट है। अच्छा तो यार बस शाम की चाय चल रही है और मैंने अभी सामान अपना सेट किया था, तो हृदा के लिए जो भी बचा था तो वो हृदा ने ले लिया है, हथियार लिया है, वो उसके साथ खेल रही है। कैसा लगा हृदा तुम्हें? बहुत लेकिन उन्होंने मुझे अपना एक ब्यूटीफुल लब्बा नहीं दिया। वो ब्यूटीफुल भाई, उसमें खुशी नहीं है जो मिल गया, जो नहीं मिला उसका रोना पहले है कि वो चीज नहीं दी है। हम इंसान ना सच में, एक ये बैठा है इंसान, मुझे बस अभी अभी ये म्यूट का ऑप्शन पता लगा है कि जब ऐसे आपको किसी को बोलते हुए को म्यूट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। वो रियल लाइफ में मैं नहीं कर पा रही थी, बट अब मेरे को वीडियो में मिल गया तो मैंने वो कर दिया है। आपको भी अगर जानना है कि एडिटिंग करते हुए कैसे म्यूट करें, सो डू कमेंट एंड आई विल टेल यू गाइज। आज सुबह से ये नहीं मिली थी दादू दादी से, और दादू दादी हो गए थे, मिस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो ऊपर जाके खाना खाते हैं। तो दादू बना रहे हैं आज डोसे, और ये लोग आ चुके हैं ऊपर। दादू जी आज शेफ हैं हमारे, और डोसों की प्रिपरेशंस तो हो गई है यार। ये आ गया है हमारा घोल जो है, ये सांभर बना हुआ है, ये आलू जो बीच में डालने हैं, मतलब दादू सेठी ने बनाने हैं सब शुरू करके। सो द घोल इज गेटिंग रेडी, तवा इज ऑलरेडी हॉट, सांभर इज ऑलरेडी हॉट, और बस शुरू कर रहे हैं। डोसा हो गया परफेक्ट, ये थोड़ा और पतला होगा। ओ भाई, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि दादू सेठी वाला डोसा भी दिखाओ अब, तो आज दादू सेठी डोसा बना रहे हैं फिर से। ये लोग देख रहे हैं टीवी। डोसा बन गया है यार, यम्मी यम्मी। चटनी के साथ मैंने दोनों चटनियां मिक्स कर दी हैं, और चटनियां भी बहुत ही स्वाद बनी हैं। So guys, देख रहे हो कलर, देख रहे हो परफेक्ट कलर है भाई, परफेक्ट। इसको कहते हैं डोसा, साउथ वाला। अच्छा जी, नॉर्थ में साउथ वाला। इस आदमी को देख लो भाई, इस आदमी को देख लो। पापा ने बोला कि पापा ना खाने के लिए भी चले गए थे, और पापा ने नहीं बोला, मैंने ही बोला कि मैं एक डोसा बना देता हूँ आपको, आप आराम से बैठ के खा लो गर्मा गर्म। तो ये तुमने उत्तपम क्यों बना दिया डोसे का? वही तो, क्या किया तुमने? दिस रिक्वायर्स स्पेशल स्किल आई थिंक। हां, पापा को तो अब इतने टाइम से कर रहे हैं तो उनको आदत सी हो गई है, बट राहुल ट्रेनिंग कैसे होता है? क्या कह रहे हो पापा? बगैर ट्रेनिंग कैसे होता है? बगैर ट्रेनिंग कैसे होता है? मला ने ट्रेनिंग ली थी, उसमें से ट्रेनिंग ली थी, उससे क्या नाम है उसका? किसका? भारती ने ट्रेनिंग ली थी, तब वो गाना सीखे थे। सही बात है, सही। बगैर ट्रेनिंग के उसके अंदर हाँ इतना प्यारा कलर आया है गाइस। अब मुझे गाजा पूजा बोल रही है, ये देख रहे हो कितना प्यारा, तो बढ़िया बना है पापा, कितना प्यारा। लेकिन वो पतला नहीं बना जैसे पापा पेपर थिन बनाते हैं, वो नहीं है बट तो उसको गाजा पूजा ही बोलते हैं। बीच में जो अगड़म बगड़म रखा है उसपे भाई। अभी अभी गैस खत्म हुई, जैसे ही डोसे बन गए ना, मैं पानी गर्म कर रहा था, ग्रीन टी के सैशेस खोले थे, तो अभी अभी पानी मतलब गैस ही खत्म हो गई। क्या लग रहा आज तो। अब इसमें गर्म कर रहा हूँ पानी केटल में, और अभी पियेंगे सारे ग्रीन टी। बेटा जाने दो अब दादी को नीचे, 12 बजने वाले हैं। भाई बहुत ज्यादा लग रही है ठंड। गुड नाइट एवरीवन, आई लव यू मिस जेजू रंजन। ये मेरी नई शॉल है पता है, और मेरा फेवरेट कलर है। इसको पोंचू बोलते हैं, शॉल नहीं है ये, शॉल ही है। मैंने शॉल लिया राहुल, वो शॉल अच्छा है, शॉल ही है वो। ओह अच्छा, ये शॉल ही है। हाँ ये तो शॉल ही होती है, बट सिर पे कैसे मतलब शॉल आ जाती है? मेरी भी आ जाएगी ऐसे, मैं करूँगी तो मेरी भी आ जाएगी। तुमने भी शॉल ही पहनी हुई है ये लो। हाँ। ये देखो भाई, ये कौन आ राजा आ की उन्हें ऐसे होगी। ओके थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, वी लव यू ऑल, और थैंक्स अगेन फॉर 80,000 सब्सक्राइबर्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्या गिरा? फोन गिरा। मेरा फोन गिरा। हंसने की बात है ये। व्लॉग बनाने के मजाक मजाक के चक्कर में नुकसान करोगे तुम। जितना कमाना नहीं उतना पैसे दे दो। चलो सी यू गाइस। हेलो शगुफ्ता, बहुत प्यारे मैसेज करती है यार शगुफ्ता, आप पढ़ के एकदम से मजा आ जाता है यार। मतलब मुझे वो वाले मैसेजेस बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जिनमें सारी छोटी छोटी सी चीजें नोट करते हैं ना जब आप लोग, और उसके बारे में लिखते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। फिर लगता है कि यार हाँ बड़े अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं सब, तो थैंक यू मैसेजेस करने के लिए, और आगे भी करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। और कल मैंने एक बहुत प्यारा मैसेज पढ़ा, नाम नहीं याद है, आई एम रियली सॉरी, बट जिसको जो मैं बोलूँगा अगर उसने ये वीडियो देखी तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा। किसी ने ये बोला है कि ये जो एग्जैक्टली अभी आपको फ्रेम दिख रहा है, दिस इज़ द बेस्ट फ्रेम एंड शी लव्स टू सी दिस, शी वेट्स फॉर दिस इन द एंटायर वीडियो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे ही भूल गया मैं डायलॉग एनु रिपीट कराया सी बार बार, फिर भुल जाता। हुण मैं कैमरा बंद करके जिहड़े तेरे चित्र लाने हैं ना, अपनी भाषा भी बोलो। चलो बाय बाय यार, ये तो चलता रहेगा। गुड नाइट एवरीवन, आई लव यू, आई मिस यू, जल्दी से मेरे घर आना। ओके डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? हां डैड, आई फॉल बिहाइंड।